Hey guys, welcome to the channel and welcome to another video. So guys, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसा सच जो YouTube पे कोई नहीं बोल रहा है, मैंने अभी तक तो नहीं सुना. सब लोग पेड प्रमोशन पे मुझे लगता है ज्यादा जाते हैं एंड मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. वो सच मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. जैसे गाइस आपको पता चल गया होगा कि हम लोग इसकी सच की बात कर रहे हैं. सो दिस इज L'Oreal रिवाइटल लिफ्ट माइक्रो एसेंस जो आज के टाइम पे हर जगह एड में मौजूद है, पूरे यूट्यूब पे मौजूद है. हर कोई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप जानना चाहते हैं वो सच क्या है जो लोग आपसे छुपा रहे हैं, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. तो गाइस अगर आपको पसंद आ रहा है जो भी मैं अभी तक कर रही हूँ, सो आप सब्सक्राइब हिट कर सकते हैं और फ्री है एकदम. उसके बाद जो एक छोटी सी घंटी है उसे हिट कर सकते हैं. आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा एंड यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया. मैं इंस्टाग्राम पे भी काफी कॉन्टेंट पोस्ट करती हूँ, सो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल. अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो सो फॉलो कर लीजिएगा. सो मुझे लगता है बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं. सो गाइज यहाँ पे मेरे पास ये जो बॉटल है, मैं ऐसे ही नहीं बोलने वाली हूँ बिकॉज मैंने इसे काफी हद तक खत्म कर दिया है. अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे या आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है. बिकॉज ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ था, एक कैंपेन चल रहा था जब भी वो मास कैंपेन था और सब ब्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को, छोटे हों या बड़े हों, सबको ये प्रोडक्ट भेजा जा रहा था. तो डेफिनेटली मुझे भी रिसीव हुआ और मुझे उन्होंने जो जो चीज़ें बोली थी कि इस तरह से आप इसे प्रेजेंट करिए, आप यूज करिए एंड देन से, तो यार छोटे यूट्यूबर्स को इतना नहीं पता होता है एंड मतलब आइडिया नहीं होता बिकॉज वी आर ऑल्सो लर्नर. तो मैंने ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें बोली थी उस टाइम पे, नेगेटिव चीज़ें नहीं बोली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था इसे यूज़ करने का. 10 दिन में आई थिंक 10 दिन भी नहीं मिले थे मुझे, 3 से 4 दिन ही मिले थे जिसका मुझे डेडलाइन था कि मुझे वीडियो पोस्ट करना है. सो या मैंने वो सारी चीज़ें उस टाइम पे बोली थी एंड देन आफ्टर लाइक 4 मंथ्स 4-5 महीने होने आ गए. सो गाइज ये कैंपेन फेब्रुवरी में चला था एंड इट्स मोर देन 6 मंथ्स नाउ. सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने इसका सच लेकर आऊँ. मैं इसे काफ़ी हद तक यूज़ कर चुकी हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं बोलने वाली हूँ बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट. सो गाइज अगर आपको याद रहेगा तो जो थोड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं लाइक जिनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, उन्होंने वीडियो बनाया था कि 3 मंथ की यूसेज के बाद उनकी स्किन में क्या फ़र्क दिखा. आप लिटरली जाके वो वीडियोज चेक करिए. लोगों का ना ये पर्टिकुलर जो वाटर है ना यहाँ से यहाँ नहीं आया है. सो लिटरली गाइज मैंने उन लोगों को अनसब्सक्राइब कर दिया था जिनको मैं ऑलमोस्ट 1 साल से फॉलो कर रही थी और जब मुझे पता चला कि यार इनको डेफिनेटली पैसा मिला है क्योंकि आपका यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ खिसक ही नहीं रहा और 3 महीने का आप रिव्यू दे रहे हो, मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा. अगर आप यूज करके बताएं तो समझ में आता है बिकॉज यूट्यूब इज सच अ प्लेस जहाँ पे लोग एक दूसरे की बात पे ट्रस्ट करते हैं और अगर वो ट्रस्ट ही टूट जाए तो आई थिंक कोई मतलब नहीं है यार यूट्यूब पे रहने का. सो या इसलिए मैं यहाँ पे नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ एंड दिस इज रियली ट्रुथ. मुझे कुछ एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है, किसी ने नहीं बोला है कुछ भी बोलने के लिए. ये मेरा पर्सनल 100% ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है जो मैं बताने वाली हूँ. प्लीज ये जो माइक्रो एसेंस है ये कुछ नया था मार्केट में. जो एसेंस मतलब एकदम वाटर फॉर्म में आपको मिलता है, यूजुअली मार्केट में सीरम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्रीम्स अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक वाटर कंसिस्टेंसी मिलती है. प्लीज आप मानेंगे नहीं, जब मैंने इसे यूज करना शुरू किया मतलब अराउंड 20-25 डेज हुए रहेंगे और मैं इसे खाली यूज करती थी क्योंकि तब मैं बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर टोनर ये सब में नहीं जाती थी. मुझे लगा कि यार इतना ज्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर्स कैंपेन कर रहे हैं, इतना ज्यादा हिट प्रोडक्ट है ये, तो आई शुड यूज इट. सो गाइस जब मैंने इसे 20 दिन तक यूज किया, आई थिंक 20-25 डेज हुए रहेंगे, यू वुड बिलीव मेरी स्किन पे क्या हुआ. मतलब मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करी थी इसके अलावा, मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज किया है, ना ही मॉइस्चराइजर यूज किया, ना ही टोनर यूज किया उस मंथ में. सिर्फ ये मुंह धोया, ये लगाया सुबह शाम. ओ माय गॉड, इसने मेरी स्किन को खराब कर दिया पूरी तरह से एंड मतलब मेरे को सोच के भी डर लगता है बिकॉज वैसी स्किन अपनी कभी नहीं देखी थी एंड आई वाज सो स्केयर्ड क्योंकि मेरी स्किन एकदम खराब होती जा रही थी. मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स डाल दूंगी और मैं आपको बता दूंगी कि मतलब ये लिटरली इसके यूसेज के बाद हुआ है. आप देखिए मेरी स्किन कितनी ज्यादा खराब हो रही है, कितनी ज्यादा ड्राई हो रही है. कैन यू सी दीज मार्क्स, मतलब ब्लैक कलर के जो मार्क्स आ रहे हैं गाइस, कितना ज्यादा स्कैरी दिख रहा है. मुझे खुद को ही बार बार अपना क्लिप देख के ही बहुत अजीब लग रहा था कि यार इतनी खराब स्किन मैंने अभी तक अपनी नहीं देखी थी एंड सीरियसली मतलब मैं बहुत ज्यादा बॉदर करने लग गई ये देखने के बाद. उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सिर्फ
ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ एंड मुझे ये यूज करना बंद करना चाहिए। सो गाइस मैंने इसको बंद कर दिया एंड माय सिस्टर हैज ऑयली स्किन तो मैंने उसको दे दिया बिकॉज मुझे लगा कि शायद ड्राइनेस कॉज कर रहा है मेरी स्किन पे, तो मेरी बहन यूज कर ले। फिर मेरी बहन यूज करने लगी, उसको तो कुछ भी फर्क नहीं दिखा बिकॉज शी इज नेवर कंसिस्टेंट। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी ना कि ये प्रोडक्ट ऐसा क्या है कि इसने मेरी स्किन खराब कर दी, तो मुझे पता चला था दिस प्रोडक्ट सो गाइज इस प्रोडक्ट में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है विच इज़ कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इज बेस्ट केमिकल फॉर एक्ने प्रोन स्किन एंड फॉर ऑयली स्किन। लेकिन अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या ड्राई स्किन है देन डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड, बट आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। सैलिसिलिक एसिड ना आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कॉज करता है, जिसके वजह से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के बाद जैसे मैंने आपको अभी क्लिप में दिखाया था आपकी स्किन का वैसा हाल हो जाएगा बिकॉज आपकी स्किन से वो पूरा मॉइस्चर छीन ले रहा है। सो गाइज आई डिडंट सी कि एनीवन इज टेलिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एसिड्स एंड दीज ऑल थिंग्स बिकॉज मुझे लगता है बताना चाहिए कि एटलीस्ट लोगों को हेल्प हो। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं और उन्हें नहीं पता होता, उनको लगता है वाह एसेंस आया है नया यूज़ कर लेते हैं एंड मेरी स्किन भी एकदम स्मूथ और ये हो जाएगी। नो डाउट गाइज हेल्प करता है, बट आपको अपनी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट चूज करना बहुत जरूरी। जो गलती मैंने करी है आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू डू, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड सैलिसिलिक एसिड के साथ इसमें सबसे ज़्यादा एक और इंग्रेडिएंट है विच इज़ अल्कोहल। अभी अल्कोहल वो इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ अ वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही पानी जैसा है। अभी पानी को ड्राई होने के लिए भी तो चाहिए ना, तो अल्कोहल सबसे जल्दी ही ड्राई होता है, सबसे क्विक ड्राई अल्कोहल होता है। और इसलिए इसमें अल्कोहल उन्होंने थोड़ा सा मिलाया है कि आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपकी स्किन में एकदम एब्जॉर्ब हो जाए और फट से ड्राई हो जाए, यू डोंट हैव टू वेट फॉर सम टाइम। सो यस डेफिनेटली इट कंटेन्स अल्कोहल, लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में कंटेन करता है बिकॉज दैट वर्क्स एज अ एंटी ऑक्सीडेंट ऑल्सो, सो दैट इज नॉट एन इश्यू। कुछ स्किन टाइप्स को सूट करता है अल्कोहल और कुछ स्किन टाइप को नहीं सूट करता है। सो डेफिनेटली गाइज यू शुड एक्सपेरिमेंट विद दैट कि आपको अल्कोहलिक वाले प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं या फिर अल्कोहल वाले प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहे हैं। सो गाइज अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड इज बेस्ट फॉर यू, देन यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन नहीं है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, तो मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को और वर्स्ट बना देगा। सो गाइज अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रोडक्ट ऑयली स्किन वालों के लिए ही है, ड्राई एंड इसके लिए नहीं है। लेकिन ड्राई स्किन वाले आप इतना परेशान मत होइए बिकॉज मैंने इसे इतना ख़त्म ऐसे नहीं किया हुआ है, मैंने यूज़ किया है, मैंने इसका तरीका ढूंढा। जब मैं ये अप्लाई करती थी तो मैंने इसे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में अप्लाई किया और मुझे सच में बहुत डिफरेंस फील हुआ है बिकॉज दिस हैज़ सच इंग्रेडिएंट जो बहुत ज़्यादा सूदिंग है आपकी स्किन के लिए, एकदम प्लम बना देता है, एकदम अलग से रेडियंट लगती है, स्मूथ लगती है आपकी स्किन जब आप इसे लगाते हो और एकदम हल्की सी इलास्टिसिटी लगती है, थोड़ा सा ग्लो आता रहता है। तो नो डाउट इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन जैसे आप इसे अप्लाई करें, जैसे ये 10 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। नो डाउट इसमें साफ साफ लिखा हुआ है लेकिन लोग ना पढ़ते नहीं है, लोग वीडियो पे ज़्यादा जाते हैं, जो वीडियो में बोल दिया जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसने बोल दिया वो वही करते हैं, सो पीपल टेंड टू इग्नोर जो मैंने किया। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि इसे दिन और रात में यूज़ करना है मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाने से पहले। इन्होंने यूज़ किया है मॉइस्चराइजर वर्ड कि मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन के पहले यूज़ करें, तो जो मैंने नहीं किया मैंने इग्नोर किया, कम्प्लीटली माय फॉल्ट। ब्रांड आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, आपको कुछ भी मिसगाइड नहीं कर रहा है, मिसलीड नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोगों के पास सच में, मतलब मैं भी आपकी तरह हूँ, किसके पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी रिसर्च करें। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे सच में फ़ायदा हुआ एंड जब मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चालू किया, मतलब मुझे ये एसिड वैसिड के बारे में कुछ नहीं पता था, उसके बाद जब भी मेरी बहन ने यूज़ करना इसे बंद कर दिया, लाइक उसने एक हफ्ते यूज़ किया रहेगा, उसके बाद मैंने इस प्रोडक्ट को पिछले 2-3 महीने से एवरीडे यूज़ कर रही हूँ। एक तो ये चलता बहुत है, मैं एवरीडे इसे यूज़ कर रही हूँ तब भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने होने आ गए, लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले मैंने शुरू किया था। सो दिस इज़ अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ दैट, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है बिकॉज आपको 2 से 3 ड्रॉप लगाते होते हैं और जैसे आप लगाते हैं ना फट से उड़ जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर ले लीजिए, कोई भी, मैं पॉन्ड्स का लगा रही थी एंड उससे पहले मैं हिमालय का लगा रही थी, तो ये दोनों मॉइस्चराइजर मैं एकदम अच्छे से लीपापोती कर लेती थी एंड
आई ऑब्जर्व्ड इन सम टाइम लाइक विद इन 15 to 20 days मेरी स्किन और अच्छी होने लग गई, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई. सो डेफिनेटली गाइज, वॉट एवर प्रोडक्ट यू चूज, वॉट एवर प्रोडक्ट यू वॉन्ट टू बाय, सी द प्रॉपर रिव्यूज, पढ़िए उस बारे में एंड उसके बाद खरीदिए. जब भी मेरी स्किन स्मूथ होने लग गई तो लिटरली आज फिल्म करने से पहले मैंने पूरा इसका छानबीन किया कि इसमें क्या क्या एसिड्स हैं और क्या क्या मेरे स्किन को नुकसान पहुंचाए हैं. तो मुझे पता चला साइलिसिलिक एसिड ही सिर्फ ये है, लेकिन उसको बहुत अमेजिंग उसके काम भी होते हैं, लाइक आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है. एक तरीका होता है एक्सफोलिएट करने का कि आपने स्क्रब लगा लिया और दरदरा मतलब वो हटा दिया, लेकिन एक एक्सफोलिएट करने का ये तरीका होता है कि वाटर कंसिस्टेंसी में होता है, आपने लगा दिया और आपके अंदर स्किन अपने पोर्स वगैरह अपने आप क्लीन हो रहे हैं. यू डोंट हैव टू रब योर स्किन एंड रबिंग डजंट वर्क गुड. बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को रब नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे पिंपल्स आते हैं. तो गाइस इस टाइप के एक्सफोलिएंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं. सो ये एक्सफोलिएट करते हैं आपकी स्किन को, एकदम स्मूद इन आउट करते हैं, आपकी स्किन एकदम ब्यूटीफुल हो जाती है. सो डेफिनेटली इफ यू हैव अ प्रोडक्ट और प्रॉब्लम हो रही है, ट्राई यूजिंग मॉइस्चराइजर और उसके बाद सनस्क्रीन. आई बेट यू गाइज विल नॉट फेस एनी इश्यू एंड दिस प्रोडक्ट वर्क्स एज अ बॉम्ब. आपकी स्किन सच में बहुत अच्छी हो जाती है, ट्राई यूजिंग इट. मुझे तो बहुत फ़ायदा किया है, लेकिन मैं आपके सामने इसका एक कड़वा सच भी लाना चाहती थी और मुझे लगा कि शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो ये गलती कर रहा होगा. तो या डेफिनेटली आई होप आपको ये वीडियो हेल्प किया रहेगा गाइज कहीं ना कहीं. और अगर हेल्प किया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड गाइज इसी के साथ खत्म करती हूँ मैं ये वीडियो और मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस.